नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही टेस्टी सा एक रेसिपी है जो कि हम राइस के साथ बनाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर में किस तरीके से ऑनियन और गार्लिक राइस बनाती हूँ। ये बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है और इसे आप कसा चिकन या फिर कसा मटन या फिर एक कसा के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप घी या बटर यूज़ करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है वो शाही ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा शाही ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर खूब सारे लहसुन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, उसको अच्छे से हम भून लेंगे। बिल्कुल रेड रेड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम भून लेंगे उसको 2 मिनट के लिए। जस्ट हम इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम में, नहीं तो घी जो है वो जल सकता है, इसलिए हमें फ्लेम को हमेशा लो रखना है और बहुत ज़्यादा तेल नहीं, घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो घी है वो बर्न हो जाएगा और ये इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी सब ऐड करते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बारीक कटे हुए प्याज मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। प्याज का जैसे ही थोड़ा सा रंग जो है वो चेंज होता है उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार चीनी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन चीनी ऐड करने से क्या होगा, राइस में एक जो स्वीटनेस, एक फ्लेवर है, स्वीट फ्लेवर वो आएगा और ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव कीजिए। अगर लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब जैसे ये थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, जस्ट कुछ सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। लॉन्ग ग्रेन राइस जो है इसमें आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर, एक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस ही यूज़ किया है, उसको अब मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है, लो फ्लेम में ही कीजिएगा, फ्लेम को बढ़ाइएगा नहीं तो ये राइस जो है वो अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और राइस को हमें बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्के हाथ से जस्ट नीचे से हमको ऊपर लाना है जिससे कि ये जो ऑनियन और गार्लिक जो है वो अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाए, बस उतना ही करना है, नहीं तो राइस जो है वो टूट सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने लास्ट में क्या किया है, कूटा हुआ काली मिर्च जो है वो मैंने कूट लिया है, जस्ट हाथ से कूट के यहाँ पर मैंने ऊपर से इसको दे दिया थोड़ा सा तीखेपन के लिए। अगर आप ये नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा ये देंगे, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है, खड़े काली मिर्च को मैंने कूट के फिर यहाँ पर यूज़ किए हैं। आज का वीडियो बस यही तक है, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।